A uniform solid ball first rolls purely along a floor, then upper ramp inclined at 30 degree momentarily stops. It has rolled 1.5 meter along the ramp. Its initial speed is approximately, आपके पास एक बॉल है, इनिशियल स्पीड वी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, यहाँ पे आती है, ऊपर जानी शुरू करती है, और 30 डिग्री का रैंप है, 1.2 मीटर ऊपर जाती है, वहाँ जाके रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। तो आपको बताना है कि जब वो यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो जितनी यहाँ पे एनर्जी है उतनी वहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 1.2 है, तो हाइट निकल जाएगी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर एच, हाइपोटन्यूज 1.2, साइन 30 की जगह डालेंगे 1/2, एच अपॉन 1.2, साइन वैल्यूज़ पुट करके एच आ जाएगा 0.6 मीटर। टोटल इनिशियल एनर्जी यहाँ पे था तो गोल भी घूम रहा था, है ना, और लीनियर स्पीड भी थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऊपर जाने के बाद ना गोल घूम रहा है ना सीधा चल रहा है, तो ना हाफ एम वी स्क्वायर है ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि एच हाइट ऊपर आ गया, तो एम जी एच लिखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज़, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mR², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, प्योर रोलिंग कर रहा है, इसलिए ओमेगा बराबर वी बाय आर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एम 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 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ का बचा वी स्क्वायर बाय 2, लिख दिया वी स्क्वायर बाय 2, ये 2 गया, एम भी चला गया था, आर स्क्वायर बाय 5, सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर बाय 5, आ गया वी स्क्वायर बाय 5, ठीक है। इधर भी एम कैंसिल हो चुका था, यहाँ पे था जी एच, वी स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, 1/2 + 1/5 = जी एच। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 5/2 5 + 2/10 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इधर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10g/7। सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60/7 आएगा, और वी स्क्वायर है इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 60/7 का रूट करोगे तो लगभग आपका आंसर 3 के आसपास आएगा, 2.9 समथिंग आएगा। सो राउंड ऑफ करके हम आंसर 3 m/s लिख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।